बायट सबवर्ड लॉ को यूज़ कैसे करना है। मान लें आपके पास ये एक एलिमेंट है, करंट इस वायर में जा रहा है स्मॉल एलिमेंट में 8 एम्पियर है, आपको डीवी निकालना है ड्यू टू 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, मतलब डीएल की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना 1 × 10^-2 मीटर एट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब एंगल क्या बनेगा 45। तो आपको 200 सेंटीमीटर आर डिस्टेंस दूर आपको बी की वैल्यू बतानी है, बी ने डीबी की वैल्यू बतानी है। तो बायट सेवर्ट लॉ में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10^-7। करंट आपको पता है, डीएल का मतलब आपको पता है कितना 1 सेंटीमीटर 1 × 10^-2, थीटा कितना है 45, आर की वैल्यू कितनी है 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई डीबी की वैल्यू आ गई। यूनिट्स क्या होंगे इसके टेस्ला, डायरेक्शन मैंने साथ में लिखी हुई है पर डायरेक्शन के रूल में थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ, अभी 2 मिनट वेट करें डायरेक्शन सब समझ में आ जाएंगी। मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, पहले ये देख लें डीबी की वैल्यू क्लियर है, पर किसी भी न्यूमेरिकल में आप अकेला मैग्नीट्यूड लिखें वो क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि डीबी तो वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ पेज होगा या आउटसाइड होगा वो कैसे चेक करना है मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड क्लियर है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है डेल्टा एल वेक्टर डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एल वेक्टर की वैल्यू डेल्टा एक्स है और डायरेक्शन आई कैप है, आई कैप का मतलब ये एलिमेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एलिमेंट इसके ऊपर पड़ा हुआ है जिसकी लंबाई डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है, इसमें करंट गिवन है 10 एम्पियर, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, वाई एक्सिस ये रहा, आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है तो छोटे एलिमेंट की वजह से डीबी तो बायट सेवर्ट लॉ निकाल देता है, तो ये बताओ अगर ये राइट साइड डीएल है और ये आर वेक्टर है तो डीएल और आर में एंगल क्या लेंगे 90, तो लेंथ ऑफ द वायर और आर में एंगल क्या होगा 90। तो बायट सेवर्ट लॉ लगाएं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10^-7 है, करंट पता है इसमें 10 एम्पियर है, डीएल आपको पता है 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन ऑफ 90 अपॉन आर का मतलब है 0.5 मीटर, सॉल्व करके डीबी की वैल्यू आ जाएगी। तो बायट सेवर्ट लॉ आके वैल्यू पुट करके आंसर आएगा, डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है पर डायरेक्शन का रूल अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्लियर है, हाउ टू अप्लाई बायट सेवर्ट लॉ इन मैग्नीट्यूड, कोई डाउट इसमें, तो मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये बायट सेवर्ट लॉ की सिचुएशन है और इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो बायट सेवर्ट लॉ की एक प्रॉब्लम है, अगर एक स्टूडेंट कहे कि मेरी वायर तो लंबी है 10 मीटर लंबी है और मेरे को पूरी वायर की वजह से बी निकालना है, तो बायट सेवर्ट लॉ कर नहीं पाएगा। आपको स्मॉल एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन डीवी तो बता देगा पर आपको टोटल वायर की वजह से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी कभी नहीं बता पाएगा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन, क्योंकि स्मॉल डीवी तो निकल जाएगा, पूरी वायर के लिए हमें इंटीग्रेशन करके ही आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए बायट सेवर्ट लॉ बहुत देर तक नहीं चल पाएगा, वो हमें डायरेक्शन दे रहा है आगे कैसे काम करना है पर हमारी वायर थोड़ी लंबी होती हैं तो लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा ये हमारा अब नेक्स्ट पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवर्ट लॉ।